हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की MIQ क्लास नंबर 5 में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम इस सीरीज में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो पिछली वीडियो खत्म की थी यानी क्लास नंबर 4, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस सीरीज में आपको मिलने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जहां से पिछली वीडियो खत्म करी थी वहीं से इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो गाइस, जहां से हमने पिछली वीडियो खत्म करी थी यानी कि पिछली क्लास, वहीं से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार से है कि मंदिर निर्माण की जो कला थी उसमें विमान शैली का प्रचलन कब हुआ। तो कब हुआ है? चोल वंश के शासन में हुआ। तो ये याद रखना है, चोल वंश का शासन काल था तब से जो है विमान शैली का प्रचलन हुआ मंदिर निर्माण में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, कब हुआ? गुप्त काल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, यहाँ पे कुछ वर्ड मिस्टेक है तो यहाँ पे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप यहाँ पे PDF में आप इसे इसमें परेशान मत होइएगा। तो जो राष्ट्रीय पंचांग आधारित है वो किस पर आधारित है? सख सम्मत पे। ठीक है, तो इसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, चरक थे, चरक कौन थे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान के याद रखिएगा क्योंकि कई एग्जाम में बन चुका है। जो चरक थे वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के जनक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डेफिनेटली याद रख लीजिएगा। यहाँ पे गाइस, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिल्क मार्क का आरंभ कराया किसने? कराया कनिष्क ने, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक था कौन? था वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है कहां से? मिलती है वायु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, किसने कहा था? बीसेंट आर्थर स्मिथ ने, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डेफिनेटली याद रख लीजिएगा। अगला है, यहाँ पे सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित हैं कौन? है समुद्रगुप्त। तो सिक्कों पे जो वीणा बनाने का चित्र है वो किसका है? समुद्रगुप्त का, तो ठीक है इसे याद रख लेना, ये एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क है कौन? है वल्लभ भाई पटेल। जो भारत का बिस्मार्क कहे जाते हैं कौन कहे जाते हैं? वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टाइन है कौन? है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का मिल्टन कौन? है अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? था हरिशेण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट लेवल एग्जाम में बन जाएगा, तो इसे याद रखना, SSC में भी ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था किसके शासनकाल काल में? आया था समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, सॉरी यहाँ पे चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है 5वीं शताब्दी में आया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, किसे बनाया? उज्जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब से हुआ? 58 ईसा पूर्व से, तो काफी इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत प्रारंभ कब से हुआ? 58 ईसा पूर्व से, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्या था? जो रजत था उसे रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे मान के याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो ये बहुत बार SSC में और स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखना, कुमार गुप्त था जो, वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया किसने किया? बख्तियार खिजली ने, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की थी? धर्मपाल ने। जो विक्रमशील विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, 770 से 810 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
कि गंगई कौंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। संस्कृत थी जो गुप्त कालीन की राजकीय प्रमुख भाषा थी, गुप्त कालीन राजकीय भाषा थी, तो इसे काफी इंपॉर्टेंट मान के याद रखना, संस्कृत थी। तो याद रखना गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन थी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, इसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन था, विष्णुगुप्त। जो गुप्त वंश था उसका अंतिम शासक पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश का अंतिम शासक था जो विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था कौन था, पुष्यभूति। जो पुष्यभूति था वो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था कौन था, नर वर्धन। तो याद रखना जो वर्धन वंश था उसका था पुष्यभूति, और पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो था नरवर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया थी, कहाँ पर स्थापित की थी, कन्नौज। थानेश्वर थी उनकी राजधानी, उन्होंने कहाँ पर स्थापित कर दी थी, कन्नौज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था, किसने किया था, हर्षवर्धन ने, तो इसे याद रखना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चीनी यात्री हैंशांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, 606 से 647 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हैंशांग द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सी है, सी यू की। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, हर्ष हैंशांग की जो द्वारा लिखित पुस्तक है वो सी यू की है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों में जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, हैंशांग को। अगला क्वेश्चन, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो हैंशांग को ही कहा जाता है, तो ये भी याद रखना काफी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था कौन था, बाणभट्ट। जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, कहां पर किया था, नर्मदा नदी के तट पर। तो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, जो नर्मदा नर्मदा नदी है उसके तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था, तो प्रयाग में, ठीक है, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर थी क्या थी, भू राजस्व, तो 1/6 यानी 1/6, ठीक है, तो ये याद रखना काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये थे आज की हिस्ट्री के MIQ क्लास के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ ही हम अगली अपनी सीरीज को इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप पिछली वीडियो देख लीजिए, और हमने GK सीरीज भी बनाई है वो भी चेक करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम के जो सारे क्वेश्चन है वो आसानी से आप कर सकें। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आओ और आप ऐसी ढेर सारी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी ढेर सारी वीडियो मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक फ्रेंड नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।